हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, हम पार्ट वन में घर बनाया, क्राफ्टिंग टेबल, बेड और कुछ टॉर्च भी बनाए, और वुडन का एक्स, पिकेक्स, ये सब भी बन गया। तो गाइस, हम देखते हैं पार्ट टू में हम क्या क्या बना पाते हैं। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट और हम आगे बढ़ते हैं। आज क्या कर पाते हैं पार्ट टू में वो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। जो भी है करेंगे, बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, इधर उधर खोज कर हम मतलब कि अपना करेंगे। तो हम देरी नहीं करते और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले जाएंगे अपना मतलब खोज के लिए, मतलब लकड़ी तो हमारे पास है ये सब वो सब मतलब कि। तो अभी देखते हैं हमें कहाँ क्या करना है। हमारे पास अभी मतलब आइटम रखने के लिए कोई सा भी चेस्ट नहीं है, और हमारे पास अभी उतना ज़्यादा कुछ भी आइटम नहीं है। तो हम अभी कुछ भी यहाँ, अगर हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल बन सकता है तो हम क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल तो मेरे पास है, चेस्ट बनाते हैं, क्योंकि चेस्ट हमें ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि चेस्ट के बिना हमारा कोई काम ही नहीं हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मतलब हाथ लैपटॉप पे बैठने के कारण स्पीड भी हमारा बन गया, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था फर्स्ट में मतलब इतना। और चेस्ट यहाँ पे बन गया, बस हमारा दूसरा दुख की बात है जो कभी शायद खत्म नहीं होगा। फिर भी कोई ना, इस चेस्ट को यहाँ से पहले लेंगे और यहाँ पे लेते, एक भी हमारे लिए अभी अगर बन जाता है, क्योंकि हम अपना सामान अगर लेके कहीं इधर उधर जाते हैं और मारे जाते हैं तो फिर हमें बहुत दिक्कत होता है, और हम इसलिए नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। इसलिए इसको यहाँ पे हम रखते हैं और इसको यहीं से हम, चेस्ट कहाँ गया हमारा, पर ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें अभी रखने के लिए कोई खास चीज तो नहीं है, ये यहीं पे रहो, हमें इस चेस्ट के अंदर रखना। तो चेस्ट है, उसके बावजूद भी मतलब वो चेस्ट के अंदर ऐसा रखना है, ये सब जो भी अभी हम एक ही चेस्ट में एडजस्ट करते हैं, बाद में देखेंगे कि हमें क्या नहीं है। अभी हमें बहुत कुछ है, ये सब फालतू का चीज़ है जिसको ले जाकर क्या करेंगे, हमें ये सब किसी काम का नहीं है। बट कोई नहीं, अभी हमें मतलब केव में जाना होगा। तो केव तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर कोई नहीं, हम टॉर्च का इंतजाम करते हैं। पहले टॉर्च के लिए हमें कोयला की जरूरत पड़ेगा। ये गेट लगा रहे तो खुल रहा है कि लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम इधर उधर तो कहीं हमें जाने की जरूरत इससे लगता नहीं है कि पड़ने वाला है। हम जो भी है टॉर्च उच यहीं से हम कोशिश करेंगे कि मिल जाए हमें। यहाँ पे इधर मिल सकता है क्या, हमें टॉर्च मिलेगा नहीं मिलेगा कोई आइडिया नहीं, बट कोई नहीं। हमने पेड़ जो लगाया था वो पहले पेड़ को देख कर आते हैं, कितना पेड़ हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कुछ पेड़ हो चुका है, और यहाँ से अभी हम कहाँ जाए, हमें जब तक टॉर्च नहीं मिल जाता है तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम केव में अगर जाते भी है तो क्या मतलब निकलता है, अंधेरा में हम क्या ढूंढेंगे। इसलिए हमें एक टॉर्च की जरूरत पड़ेगा। टॉर्च के लिए हमें कहाँ जाना होगा, किधर मिलेगा, देखते हैं। कहीं ना कहीं तो जाने का कोई रास्ता होगा ही जहाँ पे हमें टॉर्च मिल सकता हो। इतना मतलब जंगल है, कुछ समझ में नहीं आता। इधर के साइड जाके देखे, हमारे पास बोट नहीं है तो हम चले जाते हैं बोट के, पर कोई नहीं, हम ऐसे ही कूद के जाते हैं पानी में। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और नाइट होने से पहले ही उधर से हमें लौटना भी होगा। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, वैसे हम इधर आके हमें लगता है गलती कर रहे हैं, हमें नहीं आना चाहिए। उधर ही मतलब अपना कोर जो भी है ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो टॉर्च था। पर कोई नहीं, अब आगे बढ़े तो देखते हैं एक बार क्या इधर का क्या कैसा है नहीं है, शायद कुछ मिल ही जाए। मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। और हमें लग रहा है कि आगे कुछ कोयला है, क्या है पता नहीं। अगर कोयला रहा तो हमारे लिए अच्छी बात है, लग तो कोयले के जैसा रहा है पर पता नहीं क्या है, काला काला जैसा दिख रहा है, नहीं कुछ अजीब सा पत्थर दिख रहा है, पत्थर है क्या है पता नहीं।
देखते हैं आगे वहां जाएंगे तो ये सब, मतलब ये सब का तो हम बाद में तोड़ फोड़ करेंगे क्योंकि अभी इसका हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है पता नहीं। इतना मतलब ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। लकड़ी का बना हुआ है प्लस में ये टूटेगा क्या? ये हमारे पास पिकेक्स है ना, हम एक काम करते हैं पिकेक्स से ही तोड़ने का कोशिश करते हैं, अगर टूटता है तो। ये सब क्या है ये तो पता नहीं, पर जो भी है कुछ बनाया हुआ है, डिजाइन विजाइन कुछ इसलिए यहाँ पे बनाया गया है पता नहीं। ये मटका टूटेगा, मटका तो टूटा पर कुछ अजीब सा बना है इस मटके का। कोई नहीं, थोड़ा आगे देखते हैं कैसा क्या है। और हमें कोयला मिलने वाला लगता नहीं है, या सीप भी इधर जब खोजते हैं तो मिलता नहीं है, और अभी हमारे सामने तो भाई सामने यहाँ पे कोयला मिल सकता है हमारे हिसाब से, क्योंकि पूरा इधर पत्थर ही पत्थर है, तो पत्थर में ही तो ज्यादा मतलब कि कोयला रहता है, बट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई आइडिया नहीं। और अगर हमें नहीं मिला तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे अपने जगह पे, और उधर ही जाके हम अपना देखेंगे क्या करना है। हमारा करेक्टर इतना उछलता है, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम जिधर से आए हो रास्ता भूल जाए। इधर हमें मिलने का चांस थोड़ा कम है, तो हम इधर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इधर से आगे बढ़ जाते, इधर से हम चले जाते हैं अपने ही जगह पे जहाँ से आए। यहाँ पे भी कोयला नहीं है, कहाँ हो सकता है, उधर पूरा पत्थर है। फिर हम अपना मतलब जिधर से आए वो भी हम भूल जाएंगे कि किधर से आए। अब एक काम करते, आए तो कुछ लकड़ियाँ काट लेते हैं, मतलब इतना बहुत लेट करता है काटने में क्या बात है। हमारे पास एक सोने के बाद भी इतना टाइम लगेगा तो कैसे काम चलेगा। और वैसे भी हमें पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, तो पेड़ तो हमें वहीं पे है, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। हम चले जाते हैं अपने जगह पे जहाँ से आए हैं, क्योंकि इधर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और ये सब जो पत्थर है ये सब भी तो कुछ ना कुछ काम का ही होगा हमारे हिसाब से, तोड़ लेते हैं कहीं कुछ। यहाँ से कुछ भी हमें नहीं मिला इधर आने का, मतलब अभी मिलेगा 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 क्या, करते करते हमको कोयला मिल ही गया गाइस, बहुत दिनों बाद आखिर में हमें जिसका तलाश था वो मिल ही गया। हम इधर उधर कहीं भी अपना मतलब कि जो भी चाहिए हमें वो हम, ये क्या ही है अभी, ये ऐसा इधर कूद गया तो फिर बाहर कैसे निकलेंगे। ये तो गलत बात है कि हमें बहुत मेहनत से एक तो मिला है, अभी ये क्या लफड़ा खा रहा है। अभी ये हम इसके अंदर से बाहर से कैसे निकलें, इसके बाहर से निकलने का कोई रास्ता है? कोयला हमें मिला कि नहीं मिला पता नहीं, पर बहुत बुरा यहाँ पे फंसा था। यहाँ पे कोयला मिला कि नहीं? हाँ तो गाइस यहाँ पे हमें कोयला मिल चुका है, और यहाँ पे नाइट भी हो रहा है, तो हमें नाइट होने से पहले पहले अपना घर के पास जाता हूँ, उसके बाद हमें कुछ करना है। हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास बेड उड यहाँ पे नहीं है, और लगता नहीं है कि हम यहाँ से, तो हमें चले जाएंगे क्योंकि नाइट हो रहा है, घर भी सामने नहीं है। अगर चला जाता हूँ एक बार तो दोबारा हम इधर नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि इधर हमें अभी किसी भी काम कुछ मतलब काम का चीज़ है पर अभी हमें नहीं मिल रहा है। पानी में कुछ है चमक रहा है पर क्या है पता नहीं, तो उसको नीचे जाके देखूंगा, पता चलेगा नीचे ही रह जाएगी। हमारे पास खाने के लिए भी खाना चाहिए, हमारा करेक्टर को भूख लग गई है। आसमान तो बड़ा अच्छा ही दिख रहा है, बिल्कुल ज़्यादा ही दूर आ गया। हमारे पास बोट भी नहीं है, अगर बोट होता तो हम बोट से भी इधर आ जाते। हम कोशिश करें जितना जल्दी हो सके यहाँ से पहले। सामने क्या क्रीपर है क्या? है नहीं क्रीपर ही, और एक बार पीछा लग गया तो फिर मारे बिना छोड़ेगा नहीं, तो इससे हमें तो अभी भी रहना पड़ेगा।
मिलेंगे पर अभी नहीं, बाद में मिलेंगे। अभी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम तुमसे हाई हेलो करने आओ। और इधर जोम्बी वोम्बी सब लोग हैं, तो अभी मतलब इधर से एक बार घर घुसने के ने कहीं, और वो भी छोटा है, ये छोटा वाला, ये छोड़ने वाला में से नहीं है। अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ से किसी तरह से भागने का ही। अगर बच गया तो हम दोबारा तो इतना दूर मतलब रात में जाने वाला नहीं है, पर देखते। अभी फिलहाल में तो अभी एक ही दिखा है भाई। ये हमारा माउस भी है जो ऐसा है। बस एक सेकंड के लिए गैप लग जा। बस यहाँ पे हमारा हो गया काम। और हम पहले यहाँ पे टॉर्च बनाते हैं, जिससे कि टॉर्च बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अभी क्या बोलता है, वुडन किधर गया, ये स्टिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये यहाँ कैसा बनता है स्टिक, शायद ऐसा ही भूल गया कि स्टिक कैसे बनता है। स्टिक सब क्राफ्टिंग टेबल में ही हमें बनने को मिल सकता है और कहीं नहीं। तो हम यहाँ से स्टिक कैसे बनेगा यह यहाँ रखते हैं, और यहाँ से पहले इसको इन लकड़ी को क्या बोलते हैं, ये दूसरा लकड़ी है कुछ नहीं, प्लांक्स ही है। अलग अलग क्यों जाने में लगा है, अलग अलग क्यों जा रहा है, अलग अलग थोड़ा ना हम भेज रहे हैं। थोड़ा सा भी मौस इधर उधर चला जाता है, टेंशन दे डालता है। अब बताओ हम कहाँ इसे में ढूंढते रहेंगे। यहाँ से दिमाग का दही हो जाता है, गुस्सा बस इस बात का आता है और कुछ बात नहीं है। फिलहाल के लिए हमारे पास जितना हुआ है उतना ही रहने देते हैं, हमें और कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कैसे बनेगा स्टिक यहाँ, और इसको भी यहाँ से लेके यहाँ रखते हैं। यहाँ पे स्टिक तो हो गया, पर यहाँ से स्टिक लेते हैं। हमारे पास कुछ भी अगर टॉर्च होता है तो हम जाएंगे कोबल स्टोन की तरफ, और हम ज़्यादा आज तो गाइस कुछ नहीं बना पाएंगे। हम थोड़ा सा कोबल स्टोन इकट्ठा करेंगे और उसको से हम अपना मतलब स्टोन का एक सौ पिकेक्स बनाते हैं, जिससे कि आज हमारे पास टॉर्च भी बन जाता है तो हमारे लिए बहुत है। टॉर्च और एक पिकेक्स ये सभी बन गया तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। हम बहुत ही मतलब इसको सोच के मतलब करता हूँ, आगे जाता हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, हर एक चीज को बहुत हमें सोचना पड़ता है, जिसके कारण हमें ऐसा। और कोई बात नहीं है, पर कोई नहीं, अभी यहाँ टॉर्च बनाने के लिए यहाँ जाएगा। फिर ये कहाँ रहता है, ये यहाँ, ये अगर यहाँ रहता तो कोयला कहाँ रखाएगा, कोयला यहाँ पे नहीं। अच्छा ऐसा होता है, एक ही बार में बन जाता तो हमारे दो कोयला है हमारे पास, दो चार छो छो टॉर्च हुआ है हमारे पास अभी, पर कोई नहीं, छह टॉर्च ही हमारे लिए आज काफी है। छह कहाँ है अभी, और वहां तो चार दिख रहा है, पर वो उठेगा तब तो। अभी आज ठीक, तो हमारे पास बहुत कुछ हो गया है। एक काम करते हैं, वुडन प्लांक्स हमारे पास सभी खत्म हो गए क्या, अगर रहते तो हम एक्स और पिकेक्स जो भी है वो भी बना लेते। नहीं, ये सब के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत है पत्थर की। हमें कोबलस्टोन की, तो हम कोबलस्टोन के पास ही जाते हैं।
काहे के लिए इधर मतलब हम कोबरस्टोन का ये सबसे मतलब लकड़ी का जो वुडन का है उससे हम तोड़ते तो हमें बहुत टाइम लगता है, और हम यहाँ से ही रिसर्च कर अपना जो भी है यहीं से कर रहे हैं, और ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, एक पिकेक्स बनाने भर हमें हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत है आज के लिए। हम बहुत अच्छे आइलैंड में, आइलैंड है वर्ल्ड है जो भी है, मतलब इतना अच्छा आया छोटा सा एकदम मिला है, और अपना वर्ल्ड का जो नाम रखा हो घूमने के हिसाब से हमें जो मिला है छोटा सा एकदम आइलैंड वो हमारे लिए सही है, क्योंकि हम इस पूरे आइलैंड को विलेज के जैसा बनाना चाहते हैं, हम इस हर एक छोटा घर है ये वो सब कुछ होगा, पर उसके लिए हर एक चीज़ को जानना समझना जरूरी है, हमें उतना पता नहीं है पर हम कोशिश करेंगे कि वैसा ही कुछ बनाए, हम ऐसा ही कुछ सोच कर इसको स्टार्ट किए थे और चालू किए थे। देखते हैं अभी हमें क्या क्या मिलता है, अभी हमें आयरन का भी क्या क्या चाहिए तो वो सब के लिए तो पता नहीं, हमें जमीन के अंदर कितना जाना पड़ेगा, फिलहाल तो हमें स्टोन का एक पिकेक्स बन जाए जिससे कि हम जोम्बी वोम्बी जो भी है, अभी जिससे रात में मिला था छोटा वाला जोम्बी बहुत खतरनाक होता है, वो दौड़ा दौड़ा के मारता है, वो मरने का नाम नहीं लेता है, उसको मारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके सिस्टम में तो मारना और बहुत हमें इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। और हमारे पास यहाँ पे अभी एक भी एक पिकेक्स नहीं है, तो हम यहाँ से जो भी है और भी है ना यहाँ से इसको लेते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और एक काम करते हैं, हमारा पेड़ जो हुआ है उसको भी काट आते हैं, और इधर हमें पिकेक्स मतलब आयरन मिलने का शाम मतलब आयरन बोलता हूँ कोयल जो होता है कोयला वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता पता नहीं, पर कोई नहीं बाद में इसको देखेंगे, क्योंकि अभी ये सब देखने के हमारे पास टाइम नहीं है, और हमें खाना की भी शायद ज़रूरत पड़ेगा, पर खाना के लिए लकड़िया से लकड़ी से भी हम कोयला बना सकते हैं, इस समय भूल गया था, अब ये कहाँ कूद गया हम। और हमारे पास जब एक्स है तो फिर पीछे से लकड़ियाँ काट कहाँ काट रहा है, यहाँ से लकड़ी काटते हैं और इसी से हम मतलब कोयला बनाते हैं, और कोयले से मतलब अपना जो खाना बनेगा लकड़ी से भी तो खाना बन जाता है, तो फिर लकड़ी से भी खाना शायद बनता है, तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, खाना बनाने के लिए टेंशन नहीं है, जो भी टेंशन है हमें मतलब कनेक्शन जो बनाना है उसका मतलब कैसे क्या करना है, खाने पीने के लिए टेंशन नहीं, खाने पीने के लिए टेंशन यहाँ पे बहुत से जानवर ऐसे भी है, यहाँ पे हमें तीन और पेड़ मिल चुके हैं तो इसको यहीं पे घुसा देते हैं, और एक काम करते हैं गैस हम इधर लगा रहे हैं बेकार, वेस्ट हो रहा है, इतना दूर हमें मतलब आना पड़ता है तो अब इतना दूर हम नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अब हम घर बना चुके हैं अपना एक जगह चुन चुके हैं, उधर भी हम चुन रहे हैं अपने घर के पास में पेड़ लगाएंगे तो पानी से सब कुछ हमारा काम हो जाएगा, तो यहाँ से हम एक काम करते पेड़ का ये सब जो भी है लेकर चलते हैं, उधर ही हम पेड़ लगाएंगे अपना, इधर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, और यहाँ ये रास्ता में आ रहा है, यहाँ दो पेड़ हुआ हुआ था तो एक पेड़ और भी होगा, दो या तीन पेड़ हो रखा है, कोई नहीं दो तीन पेड़ हो रखा है, तीन पेड़ हो रखा है, तीन पेड़ हो रखा है अच्छी बात है हमारे लिए अच्छी बात है, और यहाँ इससे भी इसको काट ही लेते हैं, और जो भी हमें अभी जो भी जड़ मतलब इसका सीड मिलेगा उसको अपने घर के पास में जाकर लगाए, जिससे कि हमें लकड़ी के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे टाइम को बहुत बचाएगा, जब यहाँ भी पानी से हो रहा है तो वहाँ भी मिल जाएगा, हम बात तो काहे के लिए इतना दूर आए अच्छे से लकड़ी काटने के लिए, अपना घर के पास रहेगा थोड़ा अच्छा रहेगा, अब ये लकड़ी कहाँ घुसा पड़ा है, या केव है क्या इसके अंदर पता नहीं, शायद हमें लगा कि केव ही है, और हमारे पास ये क्या बोलते हैं खत्म हो चुका है,
एक्स पिकेक्स जो भी था, जो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हम अपने घर के पास जाते हैं और वहां पे जाने के बाद अपना हथियार बनाते हैं, जो भी है बनाने के बाद। और इस बार हम वुडन का नहीं, इस बार हम बनाएंगे कोबल स्टोन का, मतलब जो भी रहेगा हमारा स्टोन का रहेगा। और उधर का कौन सा एरिया है भाई हमें पता नहीं, पर उधर जाएंगे एक बार, क्योंकि उधर अच्छा लग रहा है बहुत। और इधर हमें पेड़ लगाने की जगह है क्या? नहीं, इधर मतलब बड़ा अजीब सा जगह है, इधर हमें कुछ मिलने का चांस भी नहीं है, कोयला भी नहीं है। कोयला के तलाश में लगे रहते हैं, कोयला हमें मिल ही रहा है पर कोई नहीं। पेड़ तो इधर लगा के ही रहेंगे, एक यहाँ पे लगाते हैं। और दूसरा कहाँ लगाए? लकड़ी तो हम उठा लेंगे पानी में घुस, पानी में घुसने के लिए बोल रहे हैं, इतना जल्दी भी नहीं घुसने के लिए बोल रहे हैं, और शायद नाइट होने वाला है। इसको यहाँ पे लगाते हैं गाइस। यहाँ पे हमें कोयला तो दिखा, बट अभी हमें कोयला लेने का हमारे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं है। शायद वो ऐसा टूटता है तो मिलता है कि नहीं, हमें पता नहीं। तो हम अभी यहाँ पे बिना ब्रेक लगाए अपने घर में आए, और यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सारे लकड़ी को किधर गया, वो लकड़ी जो तोड़े थे भी, इतना पेड़ काटने के बाद भी हमें 12 मिले, क्या नसीब है हमारा। यहाँ से कोई नहीं, जितना मिला है उतना में ही अभी खुश रहेंगे। और वहां से वो टॉर्च के लिए भी ले आएंगे, क्योंकि कोल मिला है तो उसको वहां क्यों छोड़े। कैंप में जाने का मतलब है कि हमें टॉर्च रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि टॉर्च नहीं रहेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। अंधेरा में हम कहाँ ऐसे ही छटपटाते रहेंगे, उसके लिए हमें तो टॉर्च चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं, मतलब सब कुछ पूरा तैयारी के साथ जाने के प्लान में है। और खाना पहले बनाना पड़ेगा वो, जो कि हमारे पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें खाना हमारे पास बनाने के लिए है, और ये इधर चला जाता है तुरंत भर में हमारा ये हाँ, तो ये यहाँ पे आओ। और लकड़ी किधर गए? हम लकड़ी से ही खाना बना सकते हैं, तो हमें टेंशन नहीं। हमारा माउस नहीं दिखने की वजह से बहुत हमें प्रॉब्लम हो जाता है, पर कोई ना, लकड़ी से खाना बनेगा ना। हाँ, मैं अगर लकड़ी से खाना बन जाता तो हमारे लिए अच्छी बात है। और यहाँ पे वो हम बना लेते अपना ये एक्सपी केक्स जो भी है, तो हमारे पास ये और ये पूरा यहीं पे रह गया। और यहाँ से इसको लेते हैं ऊर्जा, और पेड़ काटने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से इसको ऐसा करते हैं और इसको यहाँ ऐसा करते हैं। अबे यार, नहीं, गड़बड़ हो गया। मैं वुडन का नहीं चाहिए ना, हमें तो सभी क्या बोलते हैं कोबलो स्टोन का चाहिए, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? हमें इसकी जरूरत है। और यहाँ से ये बैठ जा, यहाँ से होगा, और यहाँ से अब हम लेते हैं। और हम अब जितना चाहे यहाँ से हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो पेड़ काटने के लिए 3 व 4 ही रहने देते हैं, और हम अब बनाते हैं पी केक्स, क्योंकि हमें ज़्यादा की ज़रूरत तो है नहीं। पी केक्स कैसे बनता है? हाँ, हम पी केक्स बनाते हैं क्योंकि हमें ज़मीन के अंदर खोदने के लिए यही आयरन के बाद हमें यही है जो हमें पूरा साथ देगा, तो हम आयरन का ही मतलब कि क्या बोलते हैं ये बन जाएगा, तो हमें मतलब कि थोड़ा अपना काम स्पीड रहेगा। और जितना बनेगा हम सबको बना लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इसी की ज़रूरत पड़ेगा। जब जाएंगे अपना फैक्ट्री
कैब में तो इसको लेकर जाएंगे। और नहीं, पूरा कितना बना है? 3 6 बना है, 6 बना है, तो 7 8 ये क्या आ गया? स्टोन शोवेल। चलो एक ये भी ले लेते हैं, पता नहीं क्या काम में आएगा, कुछ ना कुछ तो काम आ ही सकता है। और क्या बना है जो हमारे काम के है? एक क्या बोलते हैं इसको, एक तलवार जो होता है वो कैसे बनता है? तलवार जो मतलब जोम्बी को मारने में, मतलब या किसी को मारते हुए तो जल्दी मर जाता है, पर वो कैसे बनता है हमें कोई आइडिया नहीं है। इससे भी नहीं, ऐसा भी नहीं बन रहा है, कैसा बनेगा, कैसे बनेगा तलवार? तलवार कैसे बनेगा हमें समझ में नहीं आ रहा, तलवार कैसे बनेगा? तलवार नीचे से एक लाठी, उसके बाद मतलब पकड़ने के लिए मुट रहता है, और दूसरा ऊपर काटने के लिए रहता है। आई मीन्स हम जैसा ट्राई करके देखते हैं गाइस, अगर बन जाता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, नहीं बन रहा है। तलवार कैसा बनेगा? तो उसके बिना अगर हमें किसी से फाइट करना हो तो फिर हम मतलब कि 10 बार मारने के बजाय उससे 1 बार 2 बार मारते, 2 से 3 बार मारेंगे तो मर जाएगा, पर ये तलवार कैसा बनेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है। कभी इसको बनाया भी नहीं, वो तलवार नीचे से ही तो रख, मैं काम करता हूँ इसको नीचे करता हूँ, ये क्या बन रहा है? इससे भी नहीं हो रहा है। ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हमें पता नहीं। देखते गाइस, इसका हम सोचेंगे बाद में कि कैसा बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि तलवार नहीं बनेगा तो हमें समझ केव के अंदर जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमें एक तलवार की जरूरत पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए अभी खाना यहाँ पे हम बना रहे थे, तो खाना हमारा रेडी, खाना कम गया था, तो इसको यहाँ से यहाँ लेते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये भी पकेगा क्या? नहीं, ये तो ऑलरेडी फ्री कुछ है, पर पता नहीं क्या है, जो भी है इसको यहाँ रखते हैं। तलवार कैसे बनेगा हमको? शोवेल तो बन गया, स्वॉर्ड बोलते क्या बोलते, वो अभी तक हमसे नहीं बना, उसका सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम कभी उसको शायद यूज नहीं किया, पर कोई नहीं, अभी जो हमारे काम का यहाँ जो है उसको यहाँ रखते हैं, और यहाँ पर खाना खाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसा क्या होगा। यहाँ पे हम अपने करेक्टर को पहले खाना खिला देते हैं क्योंकि वो अभी भूखा होगा, भूखा होगा क्या, भूख ही लगने वाला है, इतना मेहनत कर रहा है, कहाँ से कहाँ क्या क्या हमारे लिए ला रहा है, और उसे अभी तक खाना नहीं खिलाए तो फिर बुरा मान जाएगा। नाइट लगता है गाइस, सो चुका है इसलिए पर कोई नहीं। गाइस यहाँ पे हमें अभी मतलब देखते हैं तलवार बनाने के लिए, तो वो भी हम लगा के ही रहेंगे, कैसे भी बने कहाँ बना के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और यहाँ से कोल स्टोन कहाँ गए हमारे पास? कोल स्टोन बना तो सही है, नहीं बना तो हम बाद में इसको देखेंगे, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर वो बन जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है केव, मतलब एक केव को मतलब खुद ही केव बनाएंगे, केव कहाँ ढूंढने जाएंगे हम खुद ही, इसलिए इतना हथियार बनाए, नहीं तो हमें इतना पिकेक्स की जरूरत नहीं है, एक दो काफी है, मतलब माइनिंग करने के लिए जो भी हमें मिलता है उसको बस तोड़ते लेके चले जाते हैं। बट हमें शुरू से मतलब हर एक ब्लॉक्स को देखते हुए जाना है कि क्या है नहीं है, किस चीज का है, और यहाँ से हमें ब्लॉक्स उठा रहा हो, कोबलस्टोन नहीं उठ रहा है,
ये अलग हमारा दिमाग खराब करने में लगा, इसका तो पता नहीं। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये यहाँ पे हुआ है और यहीं पे रहना, इधर उधर मर जाना। हाँ बाबू, हम भी इतना आसानी से हार नहीं मानने वाले, क्योंकि हम इसको खेलते आ रहे हैं। बस क्या है कि कभी मतलब हाथ से इस तरह से बनाया ही नहीं कभी किसी भी चीज को। मोबाइल में मतलब ऑटोमेटिक बना हुआ आता है, मतलब वहाँ पे जैसे ये स्वाट डालने के लिए दो वहाँ पे ब्लॉक या स्टिक डालने से ऑटोमेटिक वो बना हुआ दिखता है, बस उस पे हाथ डालो वो खुद आ जाता है। पर इसमें है कि हमें खुद मतलब बनाना पड़ रहा है, तो बनाना और एक बना हुआ को उठाना में बहुत अंतर हो रहा है हमारे, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं जिसके कारण हमें उतना टेंशन नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है समझने में। हम शुरू ही बोला था नीचे में, पर शुरू में हम ऐसा ही तो रखे थे, क्या रखे थे, फर्स्ट में भी तो ऐसा ही रख रहा था, कुछ क्या गलती कर रहा था पता नहीं। पर अभी उठेगा भी नहीं, ये अलग दिमाग का दही करके रखा है, कहाँ गया हमारा कोई मोस, कोई पता नहीं। आजा यार, बेइज्जती करवाने में लगा है दिमाग का दही, हमारा पूरा मतलब बैग भी भरने वाला है। तो ये ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जल्दी फायर तो करने वाले हैं नहीं, जब भी करेंगे तो हमें केव के अंदर अगर बाई मिस्टेक मिल जाते हैं कोई उसे तो हम देखेंगे। पर अभी हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम जान पूछ के भी जाए फाइट करने के लिए, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, इससे लड़ना उससे लड़ना है, तो हमारे पास अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी हमें ज़ॉम्बी लोगों से डरने का कोई शौक नहीं। हमारे पास इतना सुविधा नहीं है, जहाँ जाएंगे वही लगा देंगे, फिर पता चलेगा मरते मरते हम पागल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें जो भी मिला है ये सब अभी एक ही चेस्ट में रखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं, इसको रखते हैं और ये डोर है तो डोर के यहाँ पे रहने देते हैं। और हम यहाँ पे ऐसा ही रहने देते हैं, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम जो भी करेंगे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए हम इतना ही, क्योंकि अब ज्यादा करेंगे तो हमारा भी मतलब यहाँ पे कुछ है तो ये भी हम ले लेते हैं। और इधर जो पेड़ लगाया उसमें कोई हरियाली नहीं अभी तक आए, पर कोई नहीं, सो गाइस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हमें कोलोस्टोन से हमने जो कुछ भी बनाया, पिकेक्स एक्स और ये क्या बोलते हैं इसको, स्वॉर्ड जो तलवार होती ये बना, और हमें टॉर्च भी कुछ बनाए जिससे कि कैम्प में जाने में मतलब कि हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अगर टॉर्च ना रहा तो हम अंधेरा में कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या है नहीं है ऐसा वाला हो जाएगा। इसलिए हमें टॉर्च की जरूरत और कोबलस्टोन का पिकेक्स का ज्यादा जरूरत था। और हम नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे केव में भी जाए तो हम पहले कोशिश करेंगे कि हमें आयरन का जो है एक नोट है वो सब मिले, जिससे कि हम आयरन का भी अपना हथियार बना सकते हैं। आयरन पिकेक्स हो गया, एक्स हो गया, स्वाड हो गया, ये सब बनने के बाद हम मतलब किसी भी जगह पे अगर रात में भी अगर जोम्बी से भी भिड़ना पड़े तो हम भिड़ने के लिए तैयार है। पर अभी हम कोई लड़ने का इरादा नहीं है फिलहाल के लिए। गाइस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।